प्रिय भैया बहनों, आज आपको हम कक्षा सप्तम में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास विषय का चैप्टर 3 सल्तनत काल की ओर ले चल रहे हैं। कल 2 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताए गए थे, आज तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है भैया बहनों, अलाउद्दीन ने बाजार पर किस प्रकार नियंत्रण किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था कैसे सुदृढ़ की। आप जानते हैं कि बाजार की व्यवस्था में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, दुकानदार हमें सामान जो है कम दाम देता है, या कभी उसका मूल्य ज़्यादा ले लेता है, या आवश्यकता पड़ने पर वो सामान हमें मिल नहीं पाता है। ऐसे तमाम परेशानियां जनता को उठाना पड़ता है, उठानी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर कैसे अपना नियंत्रण स्थापित किया, इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, बाजार में लोगों की ज़रूरत क्या है और उसका सामान कैसे वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए उसने सामान उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छा नियम बनाया। तो इसके बाद उसने ध्यान दिया कि जो हमारे राज्य में जगह जगह मार्केट लगती हैं, बाजार लगते हैं, वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, ऐसी ज़रूरतों के सामान वहाँ पर मार्केट में उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था उसने कठोर रूप से अपने कर्मचारियों से करने के लिए कहा कि जिस व्यक्ति को जिस सामान की आवश्यकता होती है वो उसे मार्केट में उपलब्ध हो, बाजार में उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा। फिर उसके मूल्य निश्चित कर दिए सरकारी मूल्य कि इसी कीमत पर वह वस्तु बेचा जाएगा। इसलिए उसने पहला काम किया, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य उसने निश्चित कर दिए। दूसरा है, बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए उसने क्या किया, जो योग्य कर्मचारी थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे, मेहनती थे, ऐसे ईमानदार, कर्मठ, लगनशील कर्मचारियों की उसने बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए उसकी नियुक्ति की। और उसका जो हेड होता था, यानी सुपरिंटेंडेंट होता था, अधीक्षक होता था, वह सहना कहलाता था, इसका अधिकारी होता था। तीसरा पॉइंट है, बाजार के भाव और सामानों की निगरानी, यानी बाजार में कोई चीज़ बहुत अधिक रेट पर तो नहीं बिक रहा है, यह सामान उपलब्ध है कि नहीं है, ऐसी व्यवस्था के लिए उसने गुप्तचर नियुक्त कर दिया जिससे कालाबाजारी न हो सके। वो बाजार के एक एक बिंदु पर, एक एक चीज़ों पर सघन जो है ध्यान रखता था, इसलिए उसने रेट और सामान की उपलब्धता, यानी कालाबाजारी न हो सके, इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी नियुक्त कर रखे थे। वह गुप्तचर शाम तक रिपोर्ट अपने बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। और इसके लिए उसने जो है कभी कभी वो क्या करता था, गुप्तचरों के अलावा वो स्वयं जो है मार्केट में वेश बदल करके और छिप करके जाता था, सामान देता था, उनके मूल्यों की जांच करता था, और कहीं कोई दुकानदार दौरे करते हुए या मूल्य अधिक लेकर बेचते हुए पकड़ा जाता था तो उसको इतना कठोर दंड देता था कि उस दंड को देख करके अन्य दुकानदार ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, और वह सही रेट पर, उचित मूल्य पर सामान अपना जो है विक्रय करते थे। उसने सरकारी गोदामों की भी स्थापना की, यानी सरकारी भंडार जो है उसने बनाए अनाजों के, सामानों के, जिससे अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, बाढ़ आने पर, ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के समय उन गोदामों से जनता को राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, इसके लिए उसने सरकारी गोदामों की स्थापना की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको आज कहते हैं गांव में, ये जो है कंट्रोल रेट, तो सरकार के नियम के अनुसार, उसके मूल्य के अनुसार जो राशन आदि बांटा जाता है जिस दुकान से, उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान कहते हैं। ये सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। यानी अगर पूछा जाए आपसे
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की, तो आंसर आप देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये आपका देखिए क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि दुकान यानी बाजार में दुकानदार या कोई अन्य व्यक्ति अगर नियमों का उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन 100% नहीं करता है तो उसे कठोर दंड देता था, यानी कठोर दंड की व्यवस्था के कारण उसके उसका जो है बाजार पर पूरा नियंत्रण था, 100% नियंत्रण था और उपचर व्यवस्था उसकी बहुत ही टाइट होती थी। इस तरह से ये सात विधुओं ऐसे विधु थे जिसके कारण उसने बाजार पर अपना नियंत्रण रखा और उसकी जनता को उसके सैनिकों को पर्याप्त भोजन मिल जाता था। कभी कभी उसके सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते थे, उनकी गर्मी भोजन की व्यवस्था नहीं थी। इन सब चीज़ों को उसने लागू करके उसकी सेना भी सुदृढ़ हुई, उसके सैनिकों को भोजन पानी उचित मूल्य पर मिलने लगा और जनता को भी पूरा सामान ठीक से समय पर उचित मूल्य पर मिलना शुरू हुआ, जिस कारण जो है उसका यही था कि उसने बाजार पर नियंत्रण किया और एक बहुत व्यवस्थित तरीके से नियंत्रण किया और इस तरह से उसने जो है बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य किया बाजारों पर नियंत्रण करके। दैट्स ऑल।